प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको यीशु की आए आज हम यीशु को धन्यवाद दें कि उसने हमारी जिंदगी में एक और नया दिन दिया, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जो आज इस संसार में नहीं है, जो एक्सीडेंट, दुख तकलीफों, बीमारियों के कारण, परेशानियों के कारण, दुखों के कारण आज इस संसार में नहीं है। आइए यीशु को धन्यवाद दें कि उसने हमें जीवित रखा और आज का नया दिन हमारी जिंदगी में दिया, उसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु के पवित्र वचन को पढ़ें और उस पर ध्यान दें कि आज का प्रभु का पवित्र वचन हमसे क्या कहता है और प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करते हैं। आए आज प्रभु यीशु का पवित्र वचन हम पढ़ते हैं, संत मरकुस उसका 10 अध्याय और उसकी 17 आयत। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को तो जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी अगुवाई मत दो, किसी को लूटो मत, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उनका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ असंभव है। सो आज प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे ये कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। जैसे कि ऊंट का सुई के नक्के में से निकलना सहज है, पर परमेश्वर के राज्य में एक धनी, एक अमीर मनुष्य का जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब हमारे पास पैसा है, हमारा अच्छा काम चल रहा है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, हम अपने कामों में लगे रहते हैं, हम ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, हम ये नहीं सोचते कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने घर के कामों में मगन रहते हैं, अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, और ना ही हम गरीबों पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने उस धनी मनुष्य को बोला कि अपना सब कुछ आप गरीबों को दे दो, और वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो धनी था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। यही हमारी ज़िंदगी है, अगर
हमसे कोई मांगता है तो हम नहीं देते, क्योंकि हमें अपने पैसे पे बहुत घमंड है। मेरे भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो खाली हाथ आता है, और ये भी बात बता देता हूँ, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो खाली हाथ ही जाता है, वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता सिवाय ईश्वर के स्वर्ग राज्य के कामों को, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। तो आज का प्रभु यीशु का पवित्र वचन हमें ये बताता है, प्रभु यीशु हमसे ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हमें ना तो पैसे पर ध्यान देना है, ना अपने कामों पर ध्यान देना है, ना अपने बिजनेस में ध्यान देना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है कि हम उस परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। उसके लिए हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी भी तरह का लालच ना हो, किसी भी तरह का घमंड ना हो। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत ही परेशानियों में फंसे हुए हैं, बीमारियों के जाल में जकड़े हुए हैं, अंधकार के रास्ते में चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों में चल रहे हैं। शैतान उन पर हैवी हुआ है और वो बीमारियों से पीड़ित है। बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे और इस समय उनके सब बिजनेस बंद हुए, और जितना भी पैसा उन्होंने अपने बिजनेस में कमाया, आज हम लोग देखते हैं वो सब मांगने वाले हुए हैं कि हमें कोई दे दे, हमें कोई दे दे। ऐसा क्यों होता है जब हम लालच करते हैं, जब हम घमंड करते हैं, जब हम अहंकार करते हैं, उस समय ये सब बातें हमारे साथ होती है। परमेश्वर ने कहा आप अपने माता पिता की सेवा करो, अपना धन गरीबों में बांटो। जो आपको एक चांटा मारता है, आप अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। जो भी आपसे मांगता है उसे मना मत करो। जो आपसे वैर रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, पूरे दिल से प्रार्थना करो, और चोरी मत करो, झूठी अगवाई मत दो किसी के द्वारा, किसी के खिलाफ झूठी अगवाई मत दो, और किसी को लूटो मत। दो नंबर का पैसा कमाकर हम किसी को लूटते हैं, वो पैसा हमें पछता नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारा ईश्वर सब कुछ देखता है। अगर हमें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो आज ये बात पर गौर करनी होगी कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि एक धनी मनुष्य का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, और आज परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, इस बात पर ध्यान देना है कि अगर हमने इन सब बातों से नजात पानी है, बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, तो हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करना होगा अपने हृदय में, अपने हृदय में प्रभु यीशु को ग्रहण करना होगा। उसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए मेरे भाई और बहनों, पूरे दिल के साथ, मन के साथ अपने प्रार्थना में जुड़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और जो कि आपको सताते हैं, जो आपको दुख देते हैं, उनों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और जो आपसे कुछ भी मांगते हैं उन्हें मना मत करें, क्योंकि ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, मांगने वालों को मना मत करो। जो आपसे झगड़ा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी से भी अपने जैसा प्यार करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। हमारे देश के पड़ोसी दूसरे देश है, ऐसा दूसरे देशों के लिए भी प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करें, और हमारे पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करें। जो भाई बहन दुख में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, और जो कोई हमारे एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा भी उसके आगे करो, क्योंकि ऐसा हमारा ईश्वर कहता है। जो आपको सताते हैं उन्हें माफ़ करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने दुख देने वालों को माफ़ किया था। परमेश्वर ने उस समय बोला था, हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
कितना बड़ा दुख परमेश्वर ने ग्रहण सह लिया, कितना बड़ा दुख प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। उस समय प्रभु यीशु ने भी उनों के लिए प्रार्थना ही की थी कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, खासकर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर क्यों नहीं जाता। हमारे पास फोन है तो हमारा परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सअप, फेसबुक और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है जो हम फोन में चलाते हैं, उनकी ओर ध्यान ज़्यादा है। सबसे बड़ा ये भी हमारी ज़िंदगी में कारण है कि ये भी हमें बहुत बड़ा दुख दे सकता है, ये भी हमें बहुत ही परेशानी में डाल सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात का भी ध्यान रखना है। परमेश्वर कहते हैं, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप मेरे लिए त्याग कर देखो। तो फिर देखो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे कार्य करते हैं। अगर आपको लैपटॉप से ज़्यादा प्यार है तो परमेश्वर के लिए उसको छोड़ना है और अपना टाइम निकाल के, अपना वक्त निकाल के परमेश्वर के आगे उसी टाइम प्रार्थना करनी है। अगर आप फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है आप ज़्यादा ध्यान प्रभु यीशु के पवित्र वचन में लगाएं, उनके आगे प्रार्थना करने में लगाएं, तो परमेश्वर ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आप कुछ भी मुझसे मांगो मैं आपके लिए करूँगा। तो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। वो जीवित परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो ये था आज का पवित्र वचन, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, कि हम अगर सब आज्ञाओं का पालना करते हैं। आज हमने अपने अंदर को देखना है, अपने अंदर ध्यान करना है कि मेरे में कौन सी कमी है, जो आज मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबत आ गई, मेरे में और कौन सी कमी है, क्यों आज मेरे पे ये बीमारी आ गई, क्या मैं ये तो नहीं कर लिया, क्या मैं वो तो नहीं कर लिया जो परमेश्वर मेरे से नाराज़ हो गए हैं, क्या मैंने किसी को ठुकरा तो नहीं दिया, क्या मैंने किसी के लिए झूठी गवाही तो नहीं दे दी। जैसा कि परमेश्वर ने हमें कहा, किसी के लिए झूठी अगुवाई मत दो। आज इन बातों को ध्यान में रखना है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा प्रभु यीशु, प्रभु हम उन सब भाई बहनों का आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, जिन्होंने आज आपका पवित्र वचन को सुना और उस पर ध्यान किया। प्रभु तो होने दे तेरा पवित्र आत्मा इसी टाइम उन सब भाई बहनों को छू ले, उन्हें गाइड करे, उन्हें प्रेरित करे, उन्हें ब्लेस करे। प्रभु उसके लिए हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु, और आपके आगे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि बहुत सारे प्रभु भाई बहन प्रभु जो अंधकार की शक्ति में फंसे हुए हैं प्रभु, अंधकार के जाल में फंसे हुए प्रभु, अपने कामों में फंसे हुए हैं प्रभु, अपने बिजनेस में फंसे हुए प्रभु, पैसे के लालच में फंसे हुए हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए प्रभु, आज तो उन सब को छूले प्रभु। हम उन सबको आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आप उन्हें शू और प्लेस कर प्रभु। आपका आत्मा सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे यीशु, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं यीशु, इसी समय उन भाई बहनों को शू ले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ मेरे यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हमें अपने प्यार में और भी गहरा करो यीशु राजा। प्रभु जो हम संसार के लालच में फंसे हुए प्रभु, जो हम पैसे में फंसे हुए प्रभु, जो हम दुनिया की वस्तुओं में फंसे हुए प्रभु, आज हमें उन सब से आजाद कर प्रभु यीशु। सब भाई बहन जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करे, यीशु वो कौन सी चीज है जो मुझे आपसे मिलाने में जुदा कर रही है प्रभु यीशु।
अगर दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है प्रभु, आज इस समय आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वो मेरी जिंदगी से चली जाए प्रभु, मैं आपको प्रभु अपना राजा स्वीकार करता हूं प्रभु, अपना ईश्वर मानता हूं प्रभु यीशु, क्योंकि आप सामर्थ्य पिता हो प्रभु। प्रभु आपने हमारे लिए बहुत सारे दुख सहे प्रभु, आपके सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया प्रभु यीशु, आपके बदन पर कोड़े लगाए गए मेरे यीशु राजा, आपके हाथों और पांव में कील ठोके गए यीशु राजा, आप तीसरे दिन फिर जी उठे प्रभु, हम आपको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते यीशु राजा, आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हो प्रभु यीशु राजा, हम आपके पवित्र चरणों में आते यीशु प्रभु। जो भाई बहन प्रभु आज इस संसार में प्रभु दुनिया के पैसे के लालच में फंसे हुए हैं प्रभु यीशु, तो उन्हें आजाद कर यीशु राजा। जो प्रभु लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए प्रभु, तो उन्हें आजाद कर यीशु राजा। जो भाई बहन प्रभु आज गरीबी में है यीशु, तो उन्हें गरीबी से आजाद कर यीशु राजा। जो भाई बहन प्रभु अपनी बीमारी में फंसे हुए यीशु राजा, तो उनकी बीमारी से आज उन्हें आजाद कर यीशु राजा। प्रभु ने त्याग तपस्या करने का वरदान दे यीशु राजा, ताकि वो सब चीज जान जाए प्रभु कि आपसे बड़ा कोई नहीं है प्रभु, आपसे उत्तम कोई नहीं है प्रभु यीशु। उनके हृदय को चेंज कर प्रभु यीशु, उनके जीवन को चेंज कर प्रभु यीशु, उनकी जिंदगी को चेंज कर दे मेरे यीशु, उनके माइंड को चेंज कर दे प्रभु यीशु, उन पर दया करो यीशु। प्रभु हमें इस काबिल बनाओ यीशु कि हम आपके पवित्र राज्य में प्रवेश कर सके। सब जन यीशु के आगे प्रार्थना करें, सब जन यीशु के आगे प्रार्थना करें प्रभु यीशु। मेरे भाई और बहन यीशु के आगे प्रार्थना करें, वो हमारी प्रार्थना को अवश्य ही सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा यहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं, मैं उनके बीच में उतर आता हूं, मैं उनके बीच में विराजमान होता हूं। महसूस करे प्रभु यीशु हमारे बीच में है। आज जो भी हमारी जिंदगी में कमियां हैं प्रभु, वो सब आपके पवित्र नाम से जाती रहे प्रभु यीशु। आपके रास्ते पे चलने के प्रभु, जो भी अंधकार की रुकावटें हैं यीशु, आज आपके पवित्र नाम से चली जाए। तू शूले यीशु, तू दयावान परमेश्वर है प्रभु, तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है मेरा यीशु। थैंक यू जीसस, हम आपके पवित्र हजूरी में आते हैं मेरे यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। प्रभु हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे यीशु राजा। सब जन यीशु के आगे प्रार्थना करें इसी समय, प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे पूरे विश्वास के साथ। अगर आप इस समय दुख में हैं, इस समय बीमारी में हैं,
तो यीशु के आगे प्रार्थना करें मेरे भाई और बहन, अगर इस समय आप गरीबी हालत में हैं, यीशु के आगे प्रार्थना करें मेरे भाई और बहन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अगर इस समय आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यीशु के आगे प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, अपने आत्मा से भर दे यीशु राजा। अगर आपका जीवन नहीं बदला तो आज यीशु के आगे प्रार्थना करें, उसके लिए यीशु के आगे प्रार्थना करें कि हे यीशु आज मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु यीशु आज मेरे जीवन को बदल दे, प्रभु यीशु आज मेरे हृदय को बदल दे, प्रभु यीशु आज मेरी जिंदगी को बदल दे मेरे यीशु। आज यीशु के आगे प्रार्थना करें मेरे भाई और बहन, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हमारी नजात है, जिससे हमारी मुक्ति है, जिससे हमारा जीवन है। सिर्फ एक ही नाम है, यीशु का नाम, वो पवित्र यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हम नजात पा सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आज प्रभु यीशु मसीह को जान ले मेरे भाई और बहन, केवल वो ही हमारा मुक्तिदाता है। आए उसके पवित्र चरणों में प्रार्थना करें, रो रो के यीशु के आके प्रार्थना करे और यीशु को बोले हे पिता परमेश्वर आज मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु से किसी ने पूछा था, आज आप भी प्रभु यीशु से पूछे हे पिता मुझे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य में जाने के काबिल बनाओ यीशु। यीशु के साथ बातें करें मेरे भाई और बहन, वो आपके सामने है, वो आपको देख रहा है, उसने आपका नाम अपनी हथेलियों पर लिख रखा है। उसके साथ बातें करें। Jesus, प्रभु जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए यीशु, उन सबको मैं आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। प्रभु इनमें से बहुत सारे भाई बहन प्रभु इस समय बीमारी की हालत में है यीशु, तो आज उनके जीवन को चेंज कर दे यीशु, तो आज उनकी जिंदगी को बदल दे यीशु राजा, तो उनके पूरे दुख को प्रभु जड़ से खत्म कर दे यीशु। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। आज बहुत सारे भाई बहन अपनी गरीबी हालत में है, प्रभु तू उन्हें भी छू ले यीशु, उनके परिवार को छू ले यीशु, उनके घर को छू ले यीशु। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, यीशु के आगे प्रार्थना करें पूरे विश्वास के साथ, उसे ग्रहण करे मेरे भाई और बहन अपने हृदय में, क्योंकि वो ही हमारा मुक्तिदाता है, वो ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु कहते हैं पहले मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो और दुनिया की यह सब चीजें आप
आपके पीछे आएंगे। जब प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है, उस समय मेरे भाई और बहन, ना हमारी जिंदगी में कोई दुख, ना कोई संकट, ना कोई वैर, ना कोई विरोध, ना कोई बीमारी, ना गरीबी, ये सब चीजें नष्ट कर देता है प्रभु यीशु। जब उसका निवास हमारी जिंदगी में होता है, जब प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा अपना अभिषेक हमारी जिंदगी में करता है, उस समय प्रभु यीशु हमारे साथ बातें करते हैं, वो हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। अपने आप को तैयार करें, यीशु के पवित्र राज्य, पवित्र स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे भाई और बहन, क्योंकि उसने कहा है मैं बहुत ही जल्द आने वाला है। वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए जरूर आएगा। अपने आप को तैयार करें स्वर्ग राज्य जाने के लिए, पवित्र स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे भाई और बहन। आज के बाद दुनिया की चीजों पर ध्यान मत दे मेरे भाई और बहन, पैसे के लालच में ना फंसे मेरे भाई और बहन, केवल प्रभु यीशु पर ध्यान दे। प्रभु यीशु पर ध्यान दे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है। वो अवश्य ही हमें लेने के लिए आ रहा मेरा यीशु। अपने आप को तैयार करें, आज आपके पास समय है। पूरे हृदय से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु को बोले यीशु मेरा जीवन को बदल दे, हे यीशु मेरी जिंदगी को बदल दे प्रभु यीशु, तो वो अवश्य ही आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो अवश्य आपको इसी समय टच करेगा मेरा यीशु। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, थैंक यू जीसस। यीशु के आगे प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में कार्य करो, यीशु राजा, प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करो, थैंक यू जीसस। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, सब गाए यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सब गाएं, यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, हम आपकी स्तुति करते प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चल कर रुई नाम में पाता है, तेरी राहों पे चल कर रुई नाम में पाता है। तेरे शून्य से, तेरे शून्य से, यीशु के शून्य से, मसीह के शून्य से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सब गाएं, यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु ना मिला, यीशु ना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया प्रभु यीशु। जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय आपके इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस समय प्रार्थना में भाग ले रहे यीशु, जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, आज आप उन सबको अपने
अपने पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपका आत्मा इस समय उन सब भाई बहनों को छू ले यीशु, इस समय छू ले यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पवित्र आत्मा के दोबारा आज उन सब भाई बहनों के घरों से प्रभु अंधकार की शक्ति निकल जाए यीशु इस समय। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वेलकम टू होली स्पिरिट। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, पवित्र आत्मा आपको हम आज्ञा देते हैं, उनके घरों में जाओ और उन्हें छू लो, उन्हें बीमारी से आजाद करो, उनकी गरीबी हालत में से उन्हें आजाद करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, 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 वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जन यीशु के आगे प्रार्थना करें, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, 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 हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। जिन भाई बहनों को प्रभु विदेश जाने में रुकावटें हैं, प्रभु तू इस समय उन्हें छू ले यीशु, उनके पासपोर्ट को छू ले यीशु, उनके वीजे को छू ले यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आपका आत्मा कार्य कर रहा है यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका आत्मा ने छू रहा है यीशु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज आपने बहुत सारे भाई बहनों को छुआ है प्रभु यीशु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने बहुत सारे भाई बहनों को आज प्रभु छू लिया है प्रभु यीशु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत सारे भाई बहनों की विदेश जाने की रुकावट को प्रभु आज आपने आजाद किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते जो भाई बहन आपके नाम को नहीं जानते प्रभु यीशु, जो आप पर विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु, तो होने दे तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में भी कार्य करे यीशु राजा, ताकि वो भी आपके नाम को जान जाए, ताकि वो भी आप पर विश्वास करे प्रभु यीशु,
कि आप ही उद्धार करता परमेश्वर, कि आप ही मुक्ति दाता हो यीशु, उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो आपके लोगों को सताते हैं यीशु, जो आपके लोगों को दुख देते यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, कि आप उन्हें छू और स्पर्श कर प्रभु यीशु, उनके हृदय को चेंज कर दे प्रभु यीशु, उनकी जिंदगियों को बदल दे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा उन्हें गाइड करे प्रभु यीशु, उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। तू दया कर यीशु राजा, दया कर यीशु राजा, तू कृपा कर प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तूने कहा यहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं उनके बीच में विराजमान प्रभु यीशु। प्रभु मेरे साथ इस समय बहुत सारे भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु, और हम सब ये विश्वास करते हैं कि आप सचमुच हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु यीशु, और हमें उसका उत्तर देते हैं यीशु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु बहुत सारे भाई बहनों ने प्रभु टेलीफोन के द्वारा हमसे प्रार्थना की मांग की है यीशु, उन सबको आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते प्रभु। आप दिलों और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर है मेरे यीशु राजा, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु यीशु, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे यीशु राजा। प्रभु जितने भी भाई बहनों ने प्रभु हमसे फोन हमसे प्रार्थना की मांग की है प्रभु यीशु, उन सबको आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते यीशु राजा। आप उनके दुखों को देखते हो यीशु राजा, आप उनकी बीमारियों को देखते हो यीशु राजा, आप उनकी गरीबी हालत को देखते हो यीशु राजा, आप उनकी परेशानियों को देखते हो यीशु राजा। आज उन सबको छू ले प्रभु, और उन्हें हर एक परेशानी हर एक बीमारी से आजाद कर यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए यीशु राजा, अंधकार की शक्ति से बचाने वाला तू ही हमारा परमेश्वर है, हर खतरे से हमें बचाने वाला तू ही हमारा परमेश्वर है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। आपने हमें अपनी शक्ति से भर दिया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु। जो भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, आपने उन सबको अपने आत्मा से छू लिया है प्रभु यीशु, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर ने आज की वर्शिप के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को शो के ब्लेस किया है, हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं यीशु के आगे। और बहुत सारे भाई बहनों की जो विदेश जाने की रुकावट, परमेश्वर ने आज ही उनकी रुकावट को दूर किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। टेलीफोन के द्वारा बहुत सारे भाई बहन हमसे प्रार्थना की मांग करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं की जाती है,
अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो इस प्रार्थना में, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं की जाएगी। सबको जय यीशु की।